नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने किया डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास। बिहार बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए फिर बढ़ाई तारीख। बिहार के 33 जिलों में नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। बिहार में बारिश को लेकर जारी की गयी चेतावनी। बिहार में डीएसपी के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने फिर बढ़ाई तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके तहत अब छात्र 10 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही छात्र परीक्षा शुल्क भी 10 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले मूल रजिस्ट्रेशन में सुधार के साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 3 सितंबर तय की गई थी। इस बाबत बोर्ड ने साफ कहा है कि पहले से दिए गए अवसरों के बावजूद यदि किसी छात्र के जारी मूल सूचीकरण कार्ड में अंकित उनके नाम, माता पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या फोटो, जन्म तारीख, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय, परीक्षा का माध्यम या किसी भी अन्य जानकारी में त्रुटि देखने को मिली तो उसे भी सुधार करने का मौका दिया गया है। बिहार के 33 जिलों में नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6 मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 79 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 1, कैमूर में 1, पटना में 2, पूर्णिया में 1, सीतामढ़ी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा भागलपुर, ईस्ट चंपारण, मधेपुरा, रोहतास, वैशाली, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल, वेस्ट चंपारण में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,67,874 सैंपल की जांच हुई, वहीं 16 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC में निकाली गई रिक्तियां। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC ने सहायक भूविज्ञानी खान अधिकारी के 8 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास भूविज्ञानी, भू भौतिकी, खनन, इंजीनियरिंग में स्नातक, मास्टर्स डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 22 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट UKPSC.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। जमीन से पटना के इतिहास को बाहर लाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश। कला संस्कृति विभाग द्वारा संचालित बिहार विरासत विकास समिति के जिम में प्राचीन पटना के इस गौरवशाली इलाके में इतिहास की परतों पर जमी धूल को प्रकाश में लाने की तैयारी हो रही है। पटना सिटी की 2 जगहों पर पुरातत्विक खुदाई होगी, इसको लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की तरफ से खुदाई को लेकर भारतीय पुरातत्व परिषद से अनुमति मांगी गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन चिन्हित किए गए स्थल गुलजारबाग प्रेस भवन परिसर और BNR टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुरातत्विक खुदाई को लेकर विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी दिए। ज्ञात हो, निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। अब कोर्ट को नहीं दे सकेंगे धोखा। पटना हाई कोर्ट को धोखा देना मुश्किल हो सकता है। पटना हाई कोर्ट ने इस बाबत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें यह तय किया गया है कि प्रत्येक निचली अदालत को किसी आरोपी की जमानत अर्जी को निष्पादित करने से पहले लोक अभियोजक या अनुसंधान पदाधिकारियों से यह जानकारी लेना जरूरी होगा कि उस आरोपी के विरुद्ध पहले से कितने सारे आपराधिक मामले दर्ज है। इसके साथ ही संबंधित अनुसंधानकर्ता या लोक अभियोजक के लिए यह जरूरी है कि वो जमानत की अर्जीदार के पिछले सभी आपराधिक मामलों का इतिहास अदालत के समक्ष पेश करे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अब से आरोपी के आपराधिक इतिहास पर पुलिस अभियोजक से मिली जानकारी को हर निचली अदालत को आदेश में उल्लेख करना होगा, जिससे वो किसी जमानत अर्जी को मंजूर या खारिज करेंगे। बिहार में बारिश को लेकर जारी की गई चेतावनी। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। यही कारण है कि बिहार में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नेपाल के कई इलाके में बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद ही बिहार के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर जिला समेत उत्तर बिहार में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। यहां मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 6 से 8 सितंबर के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को अगले 8 सितंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में जारी डॉक्टर प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग ने बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों को अधिक सावधानी बरतने और तटबंधों पर निगरानी रखने का आदेश दिया है।
पटना नगर निगम की बगैर निबंधित गाड़ियों पर पटना हाईकोर्ट दिखी सख्त। बगैर निबंधन के ही पटना नगर निगम की गाड़ियां सड़कों पर घूम रही थी, जिसको लेकर अब पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और गाड़ियों के लिए उठ रहे इस मामले को निष्पादित कर दिया है। इस बाबत चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी या अन्य सरकारी निकाय की गाड़ी बगैर निबंधन के सड़क पर खड़ी नहीं रह सकती है। इतना ही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को 4 महीने के भीतर जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। इस बाबत कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जब मोटर वाहन कानून में कोई गाड़ी के निबंधन में छूट नहीं है, तो नगर निगम की गाड़ी कैसे बिना निबंधन के सड़कों पर खड़ी रहती है। बिहार में डीएसपी के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। आज आरा के सदर डीएसपी रहे पंकज कुमार रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है, जिसके तहत पटना से लेकर नालंदा तक पुलिस की रेड पड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस बाबत छापेमारी कर रही है। जानकारों की माने तो छापेमारी दल के हाथ कई सबूत लगे हैं और सर्च वारंट मिलने के साथ ही आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी पंकज कुमार रावत पर शिकंजा कसा है। ज्ञात हो पंकज कुमार रावत को पिछले ही साल 2020 में अगस्त महीने में आरा का सदर डीएसपी बनाया गया था। पंकज कुमार मूल रूप से नालंदा के निवासी है। साल 2004 में उन्होंने पुलिस में ज्वाइनिंग की थी, जिसके बाद से ही उन्होंने मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर और खगड़िया में सदर डीएसपी के रूप में काम किया हुआ है। भेखोभाई के संगठन महामंत्री बनने से बिहार से जुड़ेंगे पीएम मोदी। भेखोभाई को बिहार भाजपा में संगठन महामंत्री बनाया गया है, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भेखोभाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जुड़ाव है, जिसके बाद उनके बिहार में एंट्री के बाद से जानकार कई मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जमीनी नीति निर्माता और संगठन गढ़ने वाले पार्टी पदाधिकारियों में भेखोभाई का नाम शामिल है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गुजरात भाजपा को शहर से लेकर गांव और घर घर तक विस्तार करने में भेखोभाई की भूमिका अहम है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि गुजरात से ज्यादा बिहार में चुनौतियां हैं, इसलिए उनके यहां आने के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी का जुड़ाव सीधे बिहार से होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कही बात। जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार में जदयू को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हालिया बयान में सीएम नीतीश की खूब तारीफ की, जिसके तहत बीते दिन जब कुशवाहा से सीएम के पीएम मटेरियल होने की बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि यह एक पुराना मामला हो गया है। वहीं सीएम नीतीश को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। ज्ञात हो उपेंद्र कुशवाहा ने उक्त बातें बीते दिन अपने बिहार के दौरे के तहत गोपालगंज पहुंचकर की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जातीय जनगणना का एक बार फिर से सपोर्ट भी किया। तेज प्रताप यादव ने बताए मन की शांति के उपाय। इन दिनों तेज प्रताप यादव आध्यात्मिक टिप्पणियों में लीन नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म से जुड़ी बातों का वो लगातार वर्णन कर रहे हैं। इन सब के बीच तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से मन की शांति और अध्यात्म को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तेज प्रताप यादव ने अपने अर्जुन यानी कि तेजस्वी यादव के लिए यह संदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव इससे पहले भी कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने लिखा था कि फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। बिहार पंचायत चुनाव से पहले तेजस्वी ने लिया अहम फैसला। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। वहीं 24 को पहले चरण के मतदान का आयोजन होने वाला है। इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा प्लान सेट कर दिया है, जिसके तहत ही तेजस्वी ने पंचायती राज प्रकोष्ठ में बड़ा बदलाव करते हुए महेंद्र विद्यार्थी को राजद पंचायती प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ताकि राजद पंचायत स्तर पर और ज्यादा मजबूत हो सके। ज्ञात हो इस मौके पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, आलोक मेहता भी मौजूद रहे। इस बाबत राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पार्टी पंचायत स्तर पर न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि पार्टी बूथ स्तर पर भी संगठित और कारगर होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महेंद्र विद्यार्थी राजद के महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस की दुर्दशा के लिए दिग्विजय सिंह को ठहराया जिम्मेदार। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन इन दिनों अपने काम को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं अब एक बार फिर से उनकी चर्चा होने लगी है। हालांकि इस बार यह चर्चा उनके काम की नहीं, बल्कि उनके बयान के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा के पीछे के कारण को बताया है, जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस की दुर्दशा के पीछे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तो जिम्मेदार ठहराया ही है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह जैसे नेता को भी कम जिम्मेदार नहीं
नहीं माना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ उनके बयान से लोगों में काफी गुस्सा है। उनके ऐसे बयानों का खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। सीएम नीतीश ने किया डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास। आने वाले 3 साल में बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ को जान से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि बिहार में बनने वाले पहले डबल डेकर एलिवेटेड रोड का शुभारंभ सीएम नीतीश ने कर दिया है, जिसके तहत कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक अशोक राजपथ में 2.20 किलोमीटर लंबे 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जिस पर कुल मिलाकर 422 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और अगले 3 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ज्ञात हो पहले तल से लोग NIT मोड़ की तरफ से गांधी मैदान की तरफ BN कॉलेज के सामने उतरेंगे, वहीं दूसरे तल से लोग गांधी मैदान से PMCH पटना विश्वविद्यालय होते साइंस कॉलेज और NIT मोड़ जाएंगे। इंग्लैंड की पहली पारी में 99 तो वहीं भारत की दूसरी इनिंग रही शानदार। इंग्लैंड ने चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुरुआती झटकों से उबरकर 290 रन बनाए और भारत पर 99 रनों की अहम बढ़त हासिल की। मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में भारतीय तेज गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए मददगार होते जा रही पिच पर लय कायम नहीं रख सके। ज्ञात हो बीते दिन खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट 62 रन पर गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद पोप ने पारी में सूत्रधार की भूमिका निभाई और भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने दूसरी इनिंग में बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए थे, जिसके बाद अब आज खेले जाने वाले मैच में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत कैसे मैच में वापसी करती है और जीतने की कोशिश कैसे करती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।